Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. The question is, a trait may be inherited but may not be expressed. ये एक sentence है जिसको हमें justify करना है with the help of suitable example. So क्या था हमारा statement, एक बार फिर से पढ़ते हैं. A trait may be inherited but may not be expressed. ऐसा हो सकता है कि कुछ traits जो हैं वो inherited हो, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो express होके आपको बाहर भी दिखें. ऐसा क्यों हो सकता है या किस सिचुएशन में हो सकता है वो देखते हैं. सो ईच ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटर्नल डीएनए. जितने भी हमारे ट्रेट्स हैं वो दोनों ही से इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे फादर के डीएनए से भी और हमारे मदर के डीएनए से भी. पैटर्नल इज फादर, मैटर्नल इज मदर. फॉर ईच ट्रेट देर आर टू वर्जन इन द ऑफस्प्रिंग. हर ट्रेट के लिए दो वर्जन होते हैं ऑफस्प्रिंग में. या तो आप अपने पापा के जैसे हो सकते हो या तो आप अपनी मम्मी के जैसे हो सकते हो. दीज टू ट्रेट्स मे बी डिफरेंट और मे बी आइडेंटिकल. ये जो दोनों ट्रेट्स हैं हो सकता है डिफरेंट हो, एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग हो, या फिर आइडेंटिकल भी हो सकते हैं. दिखने वाले, जानने पहचानने वाले भी हो सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंटेज, ये डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर. दस सम ट्रेट्स में भी इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड. और इसीलिए कुछ ऐसे ट्रेट्स हो सकते हैं जो कि इनहेरिटेड तो हैं पर एक्सप्रेस्ड नहीं है. हो सकता है आपकी मम्मी का बहुत सारा क्वालिटीज आप में हो पर वो अभी नज़र नहीं आ रहा है. हो सकता है आपके ऑफस्प्रिंग में नज़र आए. हो सकता है आप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आपके पापा से मिल आती आई हैं आप में, लेकिन आप उसे उतनी क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो उतनी क्लियरली दिखती नहीं है. ठीक है, आई तो है पर एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है. द हिडन ट्रेट इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट. ये जितने भी ऐसे ट्रेट्स हैं उनको हम लोग कहते हैं रिसेसिव ट्रेट. एंड द एक्सप्रेस ट्रेट इज नोन एज डोमिनेंट ट्रेट. और वैसे ट्रेट्स जो कि हमें एक्चुअली नजर आते हैं, हम लोग देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट. और वैसे ट्रेट्स जो कि आपके बॉडी में छुपी हुई रह जाती हैं, दिख नहीं पाती हैं, उभर के नहीं आ पाती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं रिसेसिव ट्रेट. For example, when Mendel crossed the tall pea plants of F1 generation, Mendel भाई साहब ने, जो हमारे हेरिडिटी के फादर भी हैं डॉक्टर ग्रेगोर जोहान मेंडल, ठीक है, तो ये जो मेंडल भाई साहब ने जब क्रॉस करवाई थी तो इनके साथ क्या हुआ था, ये जो टॉल पी प्लांट्स दिए थे F1 जेनरेशन में, ही फाउंड दैट द टॉल एंड डॉर्फ प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड इन F2 जेनरेशन. इन्होंने देखा कि जो आने वाला जेनरेशन था, सेकेंड जेनरेशन था F2 जेनरेशन, उसमें कुछ प्लांट्स टॉल थे, कुछ प्लांट्स डॉर्फ थे. He noted that the dwarf trait of the parent pea plant that disappeared in F1 generation. F1 generation में क्या हो रहा था इनके साथ, F1 generation में इन्होंने जब लिया था, प्लांट्स लिया था और उनको जब क्रॉस करवाया था, तब वहाँ पे हमें क्या मिली थी, दो टॉल प्लांट्स मिली थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्लांट्स मिली थी. जब इन्होंने क्रॉस करवाया, सेल्फ करवाया जब इनको, तब इनको कौन सी प्लांट्स मिली, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी, और एक मिली दोनों ही स्मॉल टी. ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो था वो सिर्फ एक ही था कि टॉल प्लांट्स हम लोग को मिल रहे थे जो यहाँ पे मिले हम लोग को, टॉल टी प्लांट्स इन F1 जेनरेशन, दोनों में टॉल प्लांट ही मिल रहा है. ठीक है, बट सेकेंड जेनरेशन में उनको क्या मिला, F2 जेनरेशन में एक छोटा प्लांट मिला जो कि रिसेसिव ट्रेट को शो कर रहा था, जहाँ पे हमें रिसेसिवनेस दिख रही थी यहाँ पे. ठीक है, तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया, मेंडल ने क्या कंक्लूड किया, देखो यहाँ पे भी कैपिटल टी है मतलब डोमिनेंट है, कैपिटल टी डोमिनेंट है, कैपिटल टी डोमिनेंट है, यहाँ पे डोमिनेंट नहीं है, ये हमारा रिसेसिव नेचर है, छोटा प्लांट है. तो इसको देखते हुए जब पेरेंट्स में तो वो क्वालिटी थी ही नहीं, पेरेंट्स में तो स्मॉल प्लांट वाला सिचुएशन ही नहीं था, यहाँ भी कैपिटल टी थी, यहाँ भी कैपिटल टी थी, लेकिन जब उनके बच्चे हुए तो यहाँ पे उनको ड्वार्फनेस नजर आया. किसी एक बच्चे में 1% 25% की ही चांसेस, 3:1 का रेशियो था ना, तो एक जगह पे ही सही, लेकिन ड्वार्फनेस नजर आई कहीं पे, तो इन्होंने खुद को एक्सप्रेस किया. सो मेंडल ने कंक्लूड किया दैट द ड्वार्फनेस ट्रेट ऑफ पेरेंट पी प्लांट वर नॉट लॉस्ट. कंक्लूड किया गया कि ये जो ड्वार्फनेस ट्रेट था यहाँ पे, जो था ड्वार्फनेस वाला ट्रेट, वो लॉस नहीं हुआ था, वो हमने सेकेंड जेनरेशन में दिखाई दिया, दे वर सप्रेस्ड.
in the F1 generation to reappear in the F2 generation. F1 generation में ये suppress हो गया था, दब गया था, जो कि फिर से reappear हुआ F2 generation में. In this way, Mendel called expressed traits of tallness as dominant और suppressed traits of dwarfness as recessive. तो Mendel ने ये बोला कि ये जो expressed traits of tallness थे वो dominant हैं और जो suppressed traits थे जो कि dwarfness का था वो recessive nature के हैं, जो कि हर जगह खुल कर नहीं आते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो है ही नहीं, loss नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं ये available हैं, ज़रूर हैं. Thank you.